हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि कुवैत में इतना पैसा क्यों है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका रीज़न, कि इनके पास पैसा क्यों है और इनके पास क्या व्यवसाय है, क्या व्यवसाय नहीं है। तो हमारे इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है, हमारे इंडिया में ऐसा क्यों नहीं कि लोगों का पैसा क्यों इतना ज़्यादा क्यों नहीं है। तो हमारे इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि लोग जॉब करते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं, बहुत ही कम लोग बिजनेस करते हैं और खुद का यानी कि कारोबार करने में डरते हैं। और यहाँ पे हर बंदा अपना खुद का कारोबार करता है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जॉब तो हर बंदे को कुवैत की नेशनलिटी वाले को दिया है, साथ में ये लोग जो खुद यानी जो नेशनलिटी कुवैती है यानी कुवैती बोल सकते हैं, वो अपना बिजनेस भी करते हैं साइड में, यानी बोल सकते हैं पार्ट टाइम वो लोग भी करते हैं। तो हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में कोई बंदा जॉब करता है, वो अपने जॉब में खुश होता है और वो सोचता है कि हमारी ज़िंदगी इसी में पार हो जाएगी। लेकिन यहाँ कुवैत में लोग गवर्नमेंट की जॉब करते हैं 8 घंटा, बाद में वो पार्ट टाइम भी अपना बिजनेस करते हैं। इसलिए यहाँ पे लोगों के पास पैसा होता है, और क्योंकि यहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीते हैं। हमारे इंडिया में ऐसा होता है जैसे कि वो सुबह से गए, शाम तक अपनी जॉब किए, बाद में थोड़ा मोड़ा टहले यानी कि थोड़ा टहले और उसके बाद वो सो गए। यहाँ पे लोग ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग जॉब करते हैं, 2 से 3 घंटा जॉब करते हैं गवर्नमेंट में, बाद में वो लोग ड्यूटी से फ्री हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि आप 2 से 3 घंटा ड्यूटी जाइए, क्योंकि अगर वो लोग प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं 2 से 4 घंटा, अगर गवर्नमेंट में काम करते हैं तो 3 से 4 घंटा, ऐसे करके वो लोग ज़्यादा ड्यूटी नहीं करते, हाफ टाइम ड्यूटी करके वो लोग अपना घर चले जाते हैं और अपना बिजनेस करते हैं। इसलिए यहाँ पे हर लोगों के पास पैसा होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन लोगों का व्यवसाय सबसे बड़ा क्या है। इन लोगों के पास जो कि गवर्नमेंट है, उन लोगों को यहाँ पे पेट्रोल का व्यवसाय है, क्योंकि पेट्रोल बहुत ही बड़ी कंपनी है, KNPC। ये अहमदी में इसकी KNPC की कंपनी है यानी कि ऑफिस है। तो मैंने वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि बहुत ही बड़ी बड़े यहाँ पे लोग काम करते हैं और वहाँ पे हर चीज़ को देखा जाता है। और ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो कंपनी है वो उसकी ऑफिस है, कि हर चीज़ का हिसाब होता है वहाँ पे KNPC में, कहाँ से पेट्रोल कितना निकलता है और हर कहाँ पे सप्लाई देनी, किस कंट्री में सप्लाई देनी है। तो मैंने सोचा कि आप तक ये शेयर करूँ ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बस आज की टॉपिक में बस इतना था। अगर कोई नया टॉपिक आता है मैं आप तक जरूर शेयर करता हूँ। अगर चैनल पहली बार, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।